जी नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 सुबह का टाइम था। मैं अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठा रही थी। कुछ बच्चे खुशी खुशी उठ गए ये सोच के कि आज उनका पहला दिन है, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो रो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे कि नहीं अम्मी आज हमने नहीं जाना, हम कल चले जाएंगे, आज हमने नहीं पढ़ना। लेकिन माओं का ये कहना कि भाई अगर पढ़ोगे नहीं तो एक कामयाब इंसान कैसे बनोगे, अपने अब्बू की तरह कामयाब नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, आर्मी में नहीं जाना, इंजीनियर नहीं बनना, बस यही ख्वाब आँखों पर सजाए माएँ अपने बच्चों को उठाती हैं, उनको तैयार करके स्कूल भेजती हैं और फिर इस कश्मकश में मुब्तला हो जाती हैं कि अब दोपहर के खाने के लिए हम क्या बनाएं, आज हम बच्चों की फेवरेट डिश बनाएंगे। वहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल में रूटीन की तरह कुछ क्लासेस में हैं, वो पढ़ रहे हैं, कुछ ऑडिटोरियम में लेक्चर सुन रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं। कुछ बच्चों की घड़ी पे नज़र है कि कब छुट्टी होगी, कब हम सीधा घर जाएंगे और अपनी मनपसंद खाने खाएंगे। इतने में चीखो पुकार की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, गोलियां चलने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और दहशतगर्द जो है वो बुरे तरीके से बच्चों को शहीद करना शुरू कर देते हैं। पहले ऑडिटोरियम जाते हैं, वहां जाके बच्चों को शहीद करते हैं, टीचर्स को शहीद करते हैं और उसके बाद वो क्लासेस का रुख करते हैं। जब क्लासेस की तरफ जाते हैं तो टीचर्स सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं और इल्तिजा करती हैं कि खुदारा हमारे बच्चों को छोड़ दो, ये हमारे बच्चे, मारना तो हमें मार दो लेकिन इनको छोड़ दो। लेकिन वो जानवर सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे इंसानों ने ज़रा भी रहम नहीं खाया और टीचर्स और जो बच्चे हैं उनको शहीद करना शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, बात मैं कर रही हूँ 16 दिसंबर 2014 की। 6 साल बीत गए लेकिन लगता है जैसे ये कल का ही वाकया है। ये वो वाकया, वो सानिया जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कौम को हिला के रख दिया। हर साल 16 दिसंबर को अयूब पार्क में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है जिसमें बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, डिबेट्स होती हैं, स्पीच होती हैं और 16 दिसंबर के शहदा के लिए दुआएं की जाती हैं। जी नाज़रीन, आज हम आप लोगों को कुछ बच्चों से भी यहाँ पर मिलवाएंगे और उसके साथ साथ हम टीचर से भी मिलवाएंगे, कुछ उनकी बातें सुनेंगे और उसके बाद उनके कुछ जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। तो आएँ चलते हैं और उनसे बात करते हैं, आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सबा। सबा किस क्लास में? 7th क्लास में। सबा, आज यहाँ क्यों आए हो यू पार्क में? हम 16 दिसंबर को मनाने आए हैं, इस दिन जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए हम ये दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ओके, और कोई मैसेज देना चाहोगे दुश्मन को? यस मैम, हम ज़रूर हराएंगे दुश्मन को और उन वालदेन को भी साथ देंगे जिनके बच्चे इस दिन शहीद हुए थे, और हम उन वालदेन को कहना चाहते हैं कि आप सब्र करें, हम दुश्मन को ज़रूर हराएंगे और पाकिस्तान फ़ौज का साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, पाक आर्मी को और पाकिस्तान को कोई पैगाम दे दो जल्दी से। पाक आर्मी को ये साथ पैगाम देते हैं कि हम उनके हर वक्त साथ हैं और हम उनका हर वक्त साथ देंगे, और दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि हम उसे ज़रूर हराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हादिया वकास। हादिया किस क्लास में हो? 7।
बच्चे आज यहाँ पर क्यों आए हो, यू पार्क में किस मकसद से आए हो? जी 16 दिसंबर को जो वाकया हुआ था APS स्कूल में, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों की जान ली है और बहुत से साजा की जान भी गई है। हम उनकी याद मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि हम जो हमें वो पैगाम दे के गए हैं कि हम दुश्मनों को बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे, हम इल्म हासिल करेंगे, हम दुश्मनों से आगे बढ़ेंगे। दुश्मन ये ना समझे कि उन्होंने एक ही हादसा किया है तो इससे हम डर गए, हम बिल्कुल भी नहीं डरे, हम इल्म हासिल करेंगे और हम अपने दुश्मनों को हरा के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम मुझे बताएं कि आज आप यहाँ पर यू पार्क में क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं? APS के जो शहदा हैं, जो अजीम शहदा हैं, उनकी कुर्बानी लाजवाब है, हम उनकी याद में हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ था, इसमें टीचर्स का कितना बड़ा रोल था कि वो किस तरीके से एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दहशतगर्दों के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे बच्चे अगर नुकसान पहुँचाना है, मारना है तो हमें मारो, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना कहो। टीचर्स के हवाले से क्या कहेंगी, उन टीचर्स को जो शहीद हुए हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगी, उनको क्या पैगाम देंगी और उनकी फैमिली को क्या कहना चाहेंगी? मैं उन टीचर्स के लिए बहुत दिल से मैं उन टीचर्स का एहतराम करती हूँ। मैं ख़ुद भी उन टीचर्स की तरह मैं बनना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि इस तरह का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो, और उन टीचर्स का ही हौसला था जिन्होंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ बर्दाश्त किया कि उनके गुरमानियाँ लाजवाब हैं। और दुश्मन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दुश्मनों को यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी को मैं कभी भी नहीं हारेंगे इंशाल्लाह, जितना आप वो लोग कर सकते हैं कर ले, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम हर एक चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। ओके। और पाक आर्मी और पाकिस्तान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाक आर्मी हमारी आर्मी तभी सबसे बेस्ट है क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते, तो पाक आर्मी हमारी द बेस्ट आर्मी है। हर साल APS डे पेशावर के शहीदों को खराज तहसीन पेश करता है, जिसको हम अपना कौमी फरीजा समझते हैं। जिस जगह पे हम सब इस वक्त खड़े हैं, इसका नाम ही हमने APS चौक रखा है, और पिछले 7 साल से हम बच्चों के साथ मिलकर APS डे इसी जगह पे मनाते हैं। सोलह दिसंबर का दिन 6 साल पहले ही तारीख दिन नहीं बना, इसकी तारीख 1971 तक जाती है, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था 1971 16 दिसंबर को। और वो सदमा क्या कम था कि ये 16 दिसंबर APS का सदमा हमारे सर पर आ पड़ा। आज की जो तकरीब है ये इसका इनेकाद सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उन शहदा को याद करने के लिए, उन बच्चों को याद करने के लिए, उन बड़ों को याद करने के लिए जिनकी जान उस सने 16 दिसंबर 2014 APS पेशावर के सने में जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपनी जान अपना खून दे दिया और उन्होंने एक तारीख रकम की। वो बच्चे शहीद होने के लिए नहीं आए थे, वो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, और वो बच्चे इसलिए आए थे कि वो तालीम हासिल करें, वो बच्चे माशरे का हिस्सा बनने के लिए आए थे। लेकिन इस दिलखराश वाक़े ने जहाँ पे सबको गमज़दा कर दिया, वो इस रिजॉल्व को ज़िंदा किया कि वो हमारी कौम, हम सब इस वाक़े से निकल कर आगे ज़िंदा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिलखराश वाक़े से हम लोग आगे निकल आए। मैं इत्तेफाक़ से उस वक्त पेशावर के आसपास था जब ये वाक़ा हुआ, और ये जो परफॉर्मेंस आपने दी बच्चों ने और जो बड़ा इमोशनल और जज्बाती कर दिया हम सबको, मैं चंद उन लोगों में से था जो उस स्कूल में सबसे पहले पहुंचे, और मैंने इस वाक़े को, इस खून को, इस दहशतगर्दी को, इस जलालत को अपनी आंखों से देखा। जी नाज़रीन, अभी आपने बच्चों के इंटरव्यू सुने, टीचर्स के इंटरव्यू सुने, और इन सब का यही कहना था कि दुश्मन कुछ भी कर ले लेकिन वो हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकता और ना हमें पढ़ाई से रोक सकता है। हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, और इसी तरह ही पढ़ते रहेंगे और अपने मुल्क को कामयाब बनाएंगे चाहे दुश्मन कुछ भी कर ले। माँ यूनिफॉर्म पर थोड़ी स्याही गिर गई, डांटना मत। माँ यूनिफॉर्म पर थोड़ी स्याही गिर गई, डांटना मत। माँ यूनिफॉर्म लाल हो गया है, खून बहकर रोना मत।
जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक भी कीजिएगा हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।